हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है एमए सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं। आज हमारी बुक का नाम है MPSE 1। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो MPSE 1 के बहुत सारे रिक्वायर्ड थी स्टूडेंट्स की। मैम प्लीज़ इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, इस पर वीडियो बना दीजिए। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पे मैंने ये वीडियो बनाई है, तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने खाली आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, आंसर्स आप अपनी बुक या फिर आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है आप उसमें से ढूंढ के कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के लिए यथार्थवादी और अंतर्निर्भरता दृष्टिकोण का वर्णन करना है। तो इसमें जो यथार्थवादी होते हैं और जो अंतर्निर्भरता होती है उनके बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के विदेश नीति के निर्धारकों के बारे में बताइए, जो भारत की विदेश नीति है, विदेश नीति उसके बारे में। फिर थर्ड है आपका, विदेश नीति बनाने पर संसद की भूमिका, जब हम विदेश नीति बनाते हैं तो संसद की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में इसमें बताना है आपको। फिर विदेश नीति संसदीय समिति, जो समितियां होती हैं वो किस प्रकार से सहायता करती हैं, जो संसदीय समिति बनाते हैं, समितियां होती हैं उसकी सहायता विदेश नीति में किस प्रकार से रहती हैं। नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति के लिए यूरोपीय संघ के महत्व का परीक्षण, कि जो भारत की विदेश नीति है और यूरोपीय संघ का क्या महत्व है उसमें, वो बताना है। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से मैंने, और क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध बताने हैं, कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो सोवियत संघ जब रूस में कन्वर्ट हो गया था, रूस नाम रख दिया था, तो भारत और रूस का किस प्रकार से कैसा संबंध रहा उसके बारे में बताना है आपको। तो सही रहा था इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखनी है। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष आपको बताने, जो भी मुद्दे रहे हैं जैसे कि सीमा विवाद लेके, नदियों को लेके, है ना, वो सब आपको इसमें लिखना है। जितने भी अभी तक युद्ध हुए हैं, समझौते हुए, मुद्दे रहे हैं संघर्ष के, वो सब आपको इसमें ऐड करने हैं। और ये क्वेश्चंस आपको इजीली आपकी बुक में मिल जाएंगे, चाहे आप इग्नू की बुक से कर रहे हैं या फिर और कोई आपके पास स्टडी मटेरियल है उन सब में आपको मिल जाएंगे। फिर है 8th क्वेश्चन, भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताएं, कि जो परमाणु नीति है भारत ने जो बना रखी है उसके ऊपर बताना है। फिर आसियान के साथ भारत का द्विपक्षीय साझेदारी, कि आसियान के साथ हमारे कैसे संबंध है उसमें, अच्छे बुरे सब कुछ, हमारी जो साझेदारी है उसके बारे में बताना है, हमने क्या साझेदारी दी है। फिर है मध्य एशिया का भूभागीय रणनीति महत्व बताना है, कि जो मध्य एशिया है उसकी रणनीति क्या है भूभाग को लेकर उसके ऊपर। फिर लैटिन अमेरिका देशों के साथ भारत का संबंध, कि लैटिन अमेरिका जो है हमारे उनके साथ किस प्रकार से संबंध है। 12th क्वेश्चन है, भारत की निःशस्त्रीय नीति, ये आपको निःशस्त्रीकरण जो है उसकी नीति बतानी है, ये भी, ये सब आपको इजीली आपके बुक में मिल जाएंगे। तो आप इन सबको करके जाना, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम चाहिए, सारे क्वेश्चन हो जाए आपके कवर और आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके 2018 के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आप ज़रूर से करके चल जाना, क्योंकि उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे ऐड कर दिए, उसमें से भी कर दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट आ सकते हैं। बट 2018 का आप करके चल जाना, जो थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम बच जाए, बाकी आप इतने करके जाओगे ये भी आपके लिए इनफ है, बट इसमें से कुछ क्वेश्चन आप छोड़ के मत जाना, सारे क्वेश्चन करके जाना। नेक्स्ट है आपका नागरिक जो है, नागरिक शार्क देशों, ये सॉरी देशों नहीं है, यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, तो ये आपके भारत का संबंध बताना, जो शार्क है उसके साथ भारत का संबंध है वो बताना है। फिर है आपका समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में। फिर है कॉमनवेल्थ के साथ भारत का जुड़ाव बताना है, अगर आपको कॉमनवेल्थ बुक में नहीं मिलता तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं इसका, कि कैसे जुड़ाव हुआ, कब हम जुड़े, कौन से सन में जुड़े, कौन कौन से हमने उसमें भाग लिया, ये सब चीज़ें इसमें बतानी है। फिर नेहरू के विश्व दृष्टिकोण के बारे में बताना है, कि वो कैसे विश्व का दृष्टिकोण रखते थे। फिर 17th क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति बनाने में PMO कैसे योगदान देता है इसके बारे में। फिर है पूर्व एशिया देशों के साथ भारत किसे, कि जो पूर्व एशिया के देश हैं जितने भी, तो उसके साथ भारत का किस प्रकार से संबंध है वो बताना है। फिर है भारत के दक्षिण अफ्रीका
संयोग और विवाद के बारे में कि भारत और दक्षिण अफ्रीका है उनके बीच में क्या क्या संयोग और क्या क्या विवाद हैं वो पूरा इसमें एक्सप्लेन करना है आपको। और देखिए आपका 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आते हैं, 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 5 के भी आ जाते हैं टिप्पणी में, तो आप ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें, उतना ही लिखना कि 10 नंबर के अकॉर्डिंग जो हो सके। और 5 नंबर, वैसे 10 नंबर के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन करके जाना, बाकी वहाँ पर अगर कोई 5 नंबर का आता है तो उसको शॉर्ट में कर देना आप अपने अकॉर्डिंग, तो ज़्यादा लेंथी आंसर भी इसमें मत इंक्लूड करना क्योंकि आपको 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा और 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे, तो 2 घंटे 5 क्वेश्चन करना बहुत इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं टाइम निकल जाता है इजीली, और ठंड में तो और ज़्यादा जल्दी टाइम निकल जाता है, तो इसलिए अभी से आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ अगर इसके अंदर जो भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट लर्न कर लीजिए, उसके बाद उसको लिखिए पॉइंट्स को, और अंदर के जो ब्रीफ में समझने वाली चीज़ होती है जो आपको लिखनी होगी मैं एक्सप्लेन करनी होगी उसको समझ लो कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ लिखने, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लिख सके और अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, वैश्विक परमाणु निःशस्त्रीकरण पर भारत के रुख की वो व्याख्या कीजिए कि जो वैश्विकरण परमाणु निःशस्त्रीकरण है उसमें भारत की क्या रुख है, भारत क्या सोचता है उसके बारे में। फिर अब भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिकता के कारण बताइए कि विदेश निवेश जो करते हैं हम उसकी क्या क्यों करते हैं, उस क्यों इतना ज़्यादा मतलब अधिक हो गया है उसके बारे में। फिर अब भारत में मानव अधिकार की स्थिति, भारत में किस प्रकार से मानव अधिकार है। फिर है IOR और ARC, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बारे में इसमें बताना है। तो हमारी जो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी बुक में से ढूंढ लीजिएगा और एक करके चल जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसी प्रकार से मैं आपके लिए अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना देती हूँ जो मेरे पास जो बुक अवेलेबल नहीं है, बट मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी इन दिनों में अच्छे से पढ़ के ढूंढ लिए हैं ऑनलाइन जैसे भी, तो मैं अब आपको वो क्वेश्चन भी करा दूँगी, तो आप उन सब के आंसर कर लीजिएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं वीडियो को पसंद भी करते हैं पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ स्टूडेंट ये सब आपके करने से मेरे को मोटिवेट मिलता है जिससे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको PDF से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, जो मैंने अभी तक इतने सारे वीडियो बना रखे हैं उनकी अगर PDF चाहिए, तो आपको आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर भी विद एक्सप्लेन जो मैंने वीडियो कर रखी हैं, आप उनको ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि वही सब क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और आपको अदर से अगर जैसे कि अलग से भी आपको इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर सारी वीडियोज़ देख के चल जाते हैं और जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ सारे कर लेते हैं, तो आपको अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप अलग से और भी क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, धन्यवाद।